तो दोस्तों यहाँ चढ़ने को लेकर दिक्कत आ रही है। चढ़ी चलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैबलेट चार्ज। और दोस्तों मैं आज आया हूँ सूरजगढ़ फार्म, जो कि है गुड़गांव में, और ये वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग प्लेस इन गुड़गांव है। तो आज हम इसको विजिट करने वाले हैं और देखेंगे सूरजगढ़ फार्म्स बाकी जो फार्म हाउस हैं उनसे कितना डिफरेंट है, कौन कौन सी एक्टिविटी यहाँ कर सकते हैं, कितनी तरह की एक्टिविटी है, वो सभी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और हाँ, इसकी टिकट प्राइस क्या है, लोकेशन क्या है, वो भी अब मैं शेयर करूँगा। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और घुमाते हैं आपको सूरजगढ़ फार्म्स। तो दोस्तों बात करते हैं सूरजगढ़ फार्म के लोकेशन की। तो दोस्तों ये पड़ता है गुड़गांव में, सेक्टर 59 में, और गोल्फ कोर्स रोड है। तो आप यहाँ पे अपने कन्वेंस आ सकते हैं, वो ज़्यादा इजी होगा। अगर पास कन्वेंस है तो ज़्यादा बेटर होगा, लेकिन अगर आपके पास कन्वेंस नहीं है तो जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो पड़ेगा आपको सेक्टर 55-56। आपको वहाँ से ऑटो या कैब करनी पड़ेगी, वहाँ से हार्डली 5 से 7 किलोमीटर है, तो आप इजीली यहाँ पर पहुँच सकते हैं। सो दोस्तों ये है, देखिए सूरजगढ़ फार्म की पार्किंग है। इसके अलावा एक और पार्किंग है, फिलहाल ये देखिए पार्किंग पूरी तरह से फुल हो चुकी है। यहाँ पर कार पार्क है और यहाँ पर बाइक पार्किंग क्या बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत बड़ी पार्किंग है दोस्तों। सो दोस्तों ये देखिए, ये है मेन एंट्रेंस सूरजगढ़ फार्म्स का, और यहीं से एंट्री होगी। चलिए अंदर चलते हैं। सो दोस्तों ये देख रहे हो आप, ये है सूरजगढ़ फार्म्स। सो दोस्तों एंट्री करते देखिए आपको एक बहुत प्यारा फाउंटेन मिलेगा, और ये देखिए ये है मेन एंट्रेंस। तो चलिए अंदर चलते हैं और पहले टिकट वगैरह की इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं, फिर अंदर एक्सप्लोर करते हैं। तो दोस्तों आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये है सूरजगढ़ फार्म का टिकट काउंटर। तो दोस्तों बात करते हैं टिकट की। तो दोस्तों यहाँ पे एडल्ट की टिकट है 1250 रुपये। अगर आपका बच्चा 3 फीट से 4 फीट के बीच है तो टिकट होगी 650 रुपये, और 3 फीट से नीचे बच्चों का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और बात करते हैं दोस्तों यहाँ टाइमिंग की, तो ये डेली सुबह 10 बजे से और शाम के 6 बजे तक ओपन रहता है। तो दोस्तों चलिए एंटर करते हैं सूरजगढ़ फार्म्स में, और टिकट वगैरह देखिए मैंने ऑलरेडी ले ली है, तो चलिए अंदर चलते हैं। तो दोस्तों ये है मेन एंट्रेंस, अंदर चलते हैं। जी जी मैं बोलता हूँ, एंट्री करते देखिए आपको यहाँ पे। टिकट वगैरह लग गया है, और यहाँ देखिए दोस्तों ये देखिए, ये है धर्म पाजी और आपकी जय पाजी का बाइक है शोले वाला। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे और भी हैं चीज़ें, दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों जैसे ये एंट्री करते देखिए कितने शानदार पेंटिंग लगी हुई है, और यहाँ पे स्क्रीन पे बकायदा दिखाया जा रहा है सूरजगढ़ फार्म्स का कैसा है, जिप लाइन वगैरह सब कुछ है। चलिए अब आगे भी चलते हैं, बढ़ते आगे की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एंट्री करते डायरेक्शंस मिल जाएंगे कि आपको कहाँ जाना है, बकायदा डायरेक्शन वगैरह बता रखें। तो चलिए बढ़ते आगे की तरफ। ये देखिए ओ हो, बहुत ज़्यादा भीड़ है दोस्तों। आज बच्चे करीब 2500 से 3000 बच्चे आ रखे हैं, और पूरा बच्चों से भरा हुआ है। चलिए पहले ये वेलकम ड्रिंक्स पीते हैं। वेलकम ड्रिंक्स में देखिए क्या क्या मिलता है हमें यहाँ। मैम क्या क्या है वेलकम ड्रिंक्स में? लेमन नींबू पानी दे दीजिए दोस्तों, नींबू पानी पीते हैं। सो वेलकम ड्रिंक में जलजीरा है और नींबू पानी है, तो मैं फिलहाल मैंने नींबू पानी लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे देख कल्चर इवेंट चल रहा है, दिखाते क्या होने वाला है यहाँ पर। La 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 la
दोस्तों अभी फिलहाल है ब्रेकफास्ट का टाइम है, तो ब्रेकफास्ट टाइम बल्कि स्नैक्स में देखते हैं क्या क्या मिलने वाला है स्नैक्स में, वो देख लेते हैं। तो स्नैक्स में यहाँ जलेबियाँ छन रही हैं देखें यहाँ पर, और चाय वगैरह तो है यहाँ पे, और देखते हैं क्या क्या यहाँ पे आपको मिल रहा है यार स्नैक्स में। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये है पकौड़े वगैरह हैं यहाँ पर, गर्मा गर्म पकौड़े, और ये देखिए यहाँ पर ये चिप्स वगैरह हैं। तो दोस्तों फिलहाल हम पकोड़े खा रहे हैं और चाय वगैरह बन रही है, तो फिलहाल पकोड़े खाते हैं। तो दोस्तों ये है यहाँ के डाइनिंग, और चलिए पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट करने के बाद पहले पेट पे कुछ जाएगा तभी हम आपको कुछ दिखा पाएंगे, कुछ एक्टिविटी कर पाएंगे। देखिए यहाँ बाहर भी है और बहुत बड़ा यहाँ पर कैफेटेरिया वगैरह कह सकते हैं इसको, डाइनिंग कह सकते हैं। इधर भी है और इधर भी लोग बैठे हुए हैं। तो चलिए पहले कुछ खाते हैं फिर आपको घुमाते हैं। तो दोस्तों देखिए आज कितने सारे बच्चे आ रखे हैं और भरा बड़ा डाइनिंग यहाँ पे हर जगह पे। चलिए दिखाते खाने में आपको, नाश्ते में सॉरी क्या क्या मिलेगा। तो दोस्तों ब्रेकफास्ट मैंने लिया आलू के पराठे, पूड़ी है और यहाँ पे आपका आलू की सब्जी है। फिलहाल आलू दिख नहीं रहा, सिर्फ सब्जी सिर्फ तरी तरी बची है, और काफ़ी स्कूल के बच्चे खाना खा रहे हैं। कैसा खाना बना हुआ है? अच्छा है, झूठ मत बोलो, अच्छा है। तो दोस्तों इनको बहुत अच्छा लग रहा है और काफ़ी इंजॉय भी कर रहे हैं। तो चलिए पहले खाते हैं फिर बात। तो ये देखिए ये है डीजे फ्लोर सूरजगढ़ फार्म्स का, और ये देखिए कितनी भीड़ है और क्राउड देखिए क्या तगड़ी क्राउड आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पे एक पेड काउंटर है जहाँ पे देखिए आपको पेड मेरे पैसे देकर कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एक कोक का दाम है 60 रुपये, स्प्राइट देखिए 60 रुपये से, लिमका 40 है, वाटर 25 रुपये आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप पैसे देके खरीद सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हो रहा है हेड मसाज वगैरह, यहाँ पे हेड मसाज ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो दोस्तों पूरे जोश में बच्चे, पूरे जोश में, और यहाँ देखिए सारी खटिया छेक रखी बच्चों ने, हमारे कुछ ही नहीं बचा। और ये चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे सामने बुल राइड हो रही है और यहाँ पे जिप लाइन, ओ हो 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 यार, जिप लाइन की जबरदस्त भीड़ हो रखी है जिप लाइन को लेकर। तो दोस्तों करने वाले बुल राइड, और ये देखिए बुल के चार्जेस है 100 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करने पड़ेंगे, आप देते हैं तो आपको एक्स्ट्रा रुपये देने पड़ेंगे 100 रुपये। ये गई दोस्तों यहाँ चढ़ने को लेकर दिक्कत हो रही है, चढ़ ही नहीं पा रहे, कभी कभी वजन भी दिक्कत हो जाती है, सीधी वजन ज़्यादा हो जाता है ना, तो यार बोले मना कर गिर 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 अरे ये तो रो पड़ी भाई अटका। तो दोस्तों सामने मेरे स्मोकिंग जोन, यहाँ पे लिखा हुआ है देख पगली हुक्का ना छोड़ा जा मेरे से। तो ये है ताऊ जी का हुक्का, और बकायदा यहाँ पे बैठने के लिए दो चारपाई वगैरह भी लगाई है, और कुछ लोग सेल्फी ले रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और दिखाता हूँ, यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे बैठने के लिए सीट बना रखे हैं। ये है कुरुक्षेत्र है, और सामने देखिए ये अम्बाला, इस तरह से अलग अलग जगहों के नाम पे यहाँ पे रेस्ट रूम बना रखे हैं ताकि बैठने के लिए बनाए गए वगैरह, चारपाई वगैरह लगाए गए हैं। और इधर भी देखिए काफ़ी बच्चे हैं, और देखिए ये है झज्जर, तो झज्जर में बहुत ज़्यादा भीड़ रखी है, और बाकी इस तरह के और भी अलग अलग नामों से यहाँ पर बने हुए हैं बैठने के लिए बैठक है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ स्कूल के बच्चे बास्केटबॉल कर रहे हैं, चलिए हम भी करते हैं तुमसे ना हो पाए। तो ट्रैवल टू रिचार्ज की वाली ओए मिस हो गया, जाते जाते रह गया, ओए मिस हो गया, मिस हो गया, मिस हो गया, मिस हो गया, मिस हो गया। ओ हो हो डार्ट गेम हो रहा है, छोटी सी बच्ची यहाँ पे डार्ट खेल रही है, ये देखिए, ये देखिए, ओ बच गया बच गया बच गया, बहुत अच्छा ट्राई किया। तो ये डार्ट गेम्स हो रहे हैं यहाँ पर, अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए कैट यानी गुलेल, आप अगर गुलेल के शौकीन हैं तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आप निशाना जो है। हेलो हाउ आर यू, यहाँ गुलेल हो रही है। हाँ हाँ अच्छा, वो मार सकते हैं बिल्कुल, मार दिया ये कहाँ चला गया, मैं मार देता हूं तू बीच मार दे, देखते ट्रैवल रिचार्ज मार ये चिपका नहीं, तुम चश्मा खोल के मार, मैं कह रहा सही लगेगी चश्मा को पक्का। हाँ बिल्कुल, तुमको दिखता नहीं है ना उसका, ये बता रहे चश्मा खोल के मार सही जाएगा, आप देखना आप देखना देखना। तो दोस्तों आप घुमाते हैं आपको चिड़ियाघर यहाँ का,
तो देखिए यहाँ पे छोटा सा चिड़ियाघर भी है और देखते हैं चिड़ियाघर में क्या क्या जानवर देखने मिलते हैं यहाँ पर। तो छोटे से यूट्यूबर है मेरे साथ, हाँ बताइए क्या दिखा रहे हैं आप जी? यहाँ रैबिट्स हैं बहुत सारे, कुछ जा रहे हैं कुछ बैठे हुए हैं। ओ हो, बाकी यार बहुत सारे रैबिट है और क्या क्या है यहाँ पर? यहाँ मैजिक शो भी है। मैजिक शो भी होता है? तो अब कुछ नहीं दोस्तों, तो चिड़ियाघर के नाम पर सिर्फ यहाँ पे सिर्फ खरगोश वगैरह थे। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब जो सेक्शन में देखिए यहाँ पे है कुमार, ज्योतिष, तोते की बछवाड़ी, मेहंदी और जादूगरी, वो होती है यहाँ पर। चलिए आपको चल के दिखाता हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पे हो रहा है मैजिक, और जैसे आप बाकी फार्म हाउस जाते हैं जो मैजिक आपने देखा होगा कि थोड़ा सिक्के वगैरह आपको झाड़ के दिखा देंगे, गिरा देंगे, हाथ की सफाई दिखाएंगे, बाद में कबूतर को दो कबूतर कर देंगे, तो इस तरह की एक्टिविटी हर जगह सेम ही देखने मिली है, कोई डिफरेंट मुझे ज़्यादा नहीं दिखा। तो यहाँ मुझे सेम ही लग रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पे कॉइन वगैरह वाला होगा, उसका जो कबूतर वाला होगा सीन, ये है यहाँ पर मैजिक शो। बच्चे बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, कितने बच्चे हैं? हाँ मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। हाँ, तो अभी ये मेरा पड़ोसी है, मेरे घर के पास ही रहता है और लकीली हम मेरे को यहाँ पे गाइड कर रहा है यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर। सो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे पोल्ट्री मेकिंग हो रही है ऑलरेडी, देखिए यहाँ पे बनाया है ऑलरेडी, और यहाँ पे बच्चे ट्राई कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे आप मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन बनाना सीखेंगे, यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। आपने बनाया? तो ये देखिए इन्होंने बनाया, बड़ा सुंदर बनाया हुआ है। चलो घर ले जाओ, इसमें पानी पीना। सो दोस्तों आप ग्रामीण लुक का पूरा जो, हाँ पुराने जमाने का चक्की इस तरह से, और इसके अगर आप रोटी खाओगे ना बड़ा मजा आएगा आपको। तो इस तरह की यहाँ पे अपने हाथ चला साफ कर और आटा ले जाओ। तो दोस्तों यहाँ पे और क्या क्या एक्टिविटी हो रही है? तो यहाँ पे हो रही है यहाँ पर मेहंदी हो रही है, मेहंदी बनाने देखिए, और यहाँ पे ऑलरेडी मेहंदी ने बना रखा है मेहंदी थोड़ा सा देखिए। यहाँ पे मेहंदी वगैरह भी बनाने का है, कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर। तो इसके बाद हम बुल राइड और एटीवी की भी सैर करेंगे, और बहुत सारे झूले हैं यहाँ। हाँ बहुत बढ़िया झूले हैं यहाँ पर बच्चों के लिए, तो छोटे बच्चों के लिए बहुत कुछ है यहाँ पर। तो दोस्तों अब दिखाते हैं आपको यहाँ पे पपेट शो हो रहा है, और ये भीड़ है पपेट शो के लिए। तो दोस्तों फिलहाल मैं हूँ अभी डाइनिंग हॉल में, देखिए सामने बच्चे पानी पीने के कूलर लगा हुआ, और पेंटिंग देखिए एक शानदार पेंटिंग यहाँ पे बनाया गया है, पूरा ग्रामीण लुक दिया गया है। और फिलहाल अभी लंच का टाइम होने वाला है, लंच टाइम बता दूँ 1 से 3 बजे के बीच होता है, 3 से 4 बजे भी चलता रहता है अगर आप खा रहे हैं। और काफ़ी बड़ा डाइनिंग है देखिए यहाँ पे ना। सो दोस्तों ये है हमारा मील है, देखिए बकायदा मैंने नान वगैरह लिया है, और ये देखिए मटर पनीर है, और ये देखिए पनीर है, ये है आपका हलवा, ये आपका है मटर पनीर मशरूम है। अरे यार फिर प्याज कौन खा गया? तो दोस्तों किसने प्याज उड़ा दिया मेरा, और यहाँ स्कूल के बच्चे में कैसे लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, आपने पूरा खा लिया, बड़ी जल्दी खा लिया। तो दोस्तों ये बहुत फास्ट है, देखो अभी हमने सूर भी नहीं किया, उन्होंने खत्म ही कर दिया। तो स्कूल के बच्चे काफ़ी तेज है दोस्तों आज। और ये देखिए वर्ल्ड ऑफ जसमीत है मेरे साथ, तरुण कृष्णा है, तो दिल्ली के टॉप ब्लॉगर्स हमारे साथ है फिलहाल। तो यार अगर आप लोग देख रहे हो उसकी, उससे पहले मेरी देख लेना प्लीज़ यार, इनकी तो कोई भी देख लेता, हमारी कोई देखता नहीं है। और ये गोपाल है। तो दोस्तों यहाँ पे ओपन डाइनिंग भी है ना यहाँ पर, अगर आप अंदर ही बैठना चाहते हो तो बाहर भी बैठ सकते हो, और बाहर भी सेम ही खाना है जो अंदर मैंने आपको खा के दिखाया है वो सेम ही है। और देखिए यहाँ पूरा सीटिंग वगैरह भी है, काफ़ी लोग बैठे भी हैं। तो दोस्तों ये है जिप लाइन की लाइन लगी है, देखो पूरे जिप लाइन वाले यहाँ से वहाँ तक देखो लाइन है, स्कूल के बच्चे भी हैं, तो काफ़ी टाइम लगने वाला। और यहाँ पे देखिए हार्नेस ये आता है, बंदे हार्नेस पहनाता है, हार्नेस पहनने के बाद आप ऊपर जाएंगे। चलिए दोस्तों आप बाहर ही आ गए जिप लाइन करने की, और ये देखिए यहाँ से जो जिप लाइन चल रहा है ये देखिए। तो दोस्तों पूरे तरह से बिठा दिया गया है, और ये देखिए रेडी। ओह
चलो देखो ये कैरमबोर्ड खेला। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे चेस वगैरह भी है, तो अगर आपका ब्रेन थोड़ा सा तेज शार्प चलता है तो चेस गेम में कैसा लग रहा है? चेस खेल के मज़ा आ रहा है? कौन जीत रहा है? जीत रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लूडो भी है और यहाँ पे देखिए लोग यहाँ पे पूल खेल रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों बहुत मज़ा आया ज़िपलाइन करके, और यार ये बहुत अच्छी एक्टिविटी होती है, किसी फार्म हाउस जाते हो ना तो ज़िपलाइन सबसे बेस्ट एक्टिविटी होती है जो आप करोगे। और भीड़ देखिए दोस्तों मेरे पीछे कितनी ज़्यादा आ रखी है, और स्कूल के बच्चे इतने ज़्यादा रुके हैं कि आपको मौका ही नहीं मिला कुछ करने का एक्टिविटी करना। फिलहाल मैं दिखा पाऊँगा आपको, तो बने रही वीडियो में, अच्छी वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए दोस्तों और एक्टिविटी दिखाते हैं आपको, यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटी है बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ पर गेम खेलना, कौन चढ़ेगा पहले? रेस लगाओगे? जाओ भागो भागो भागो। तो बच्चे का, बच्चा गिर गया। तो वही जीत गए ट्रैवल टू रिचार्ज, बच्चा तो पीछे रह गया। आ जाओ। ओ फंस गया, पैर फंस गया। तो ट्रैवल रिचार्ज जीतते हुए जीत गया। तो दोस्तों यहाँ हो रही है रोप क्लाइंबिंग, ये देखिए, और बहुत मुश्किल काम होता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ भी देखिए लोग एक रोप की मदद से दूसरी जगह जा रहे हैं, छोटे छोटे तो गिर जाओगे ना। और ये सब देखिए, और इस साइड बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे है बर्मा ब्रिज है, इस साइड बर्मा ब्रिज है, और इस साइड बहुत सारी एक्टिविटी है, एडवेंचर एक्टिविटी जो आप कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ देखिए और भी एक्टिविटी हो रही है, कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है? डर लग रहा है? तो दोस्तों ये देखिए और भी बच्चे हैं यहाँ पे, देखिए सब लगे हुए एक्टिविटी करने में, सबको बहुत मज़ा आ रहा है, क्यों आ रहा है ना? ये देखिए और ये देखिए, ओ हाँ ये तो मेरे साथ खाना खा रही थी। और ये देखिए कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। इधर देख के बोलो बहुत अच्छा। तो दोस्तों चलिए और भी एक्टिविटी दिखाते हैं आपको, इस साइड बढ़ते हैं। ये देखिए ये स्विंग वाला है, इसमें चलना बहुत मुश्किल होता है, पर देखिए काफ़ी बच्चे यहाँ कर रहे हैं यार, मतलब इनको इजी लग रहा है। खतरनाक है ये? नहीं अंकल। इजी लग रहा है? इजी है, बहुत इजी है। इनका चेहरा देख के लग रहा है बहुत इजी है, आराम से हर कोई कर सकता है इसको, सब बहुत आसान है। बहुत आसान है। चलिए और दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ तो लोगों ने बिल्कुल भी जगह नहीं छोड़ा है, सब बैक टू बैक चढ़ गए। अरे टूट जाएगा ये, टूटेगा ये पक्का। कैसे लग रहा है? मजा आ रहा है? शोर बजाओ यार। तो सभी लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर, सभी लोग लगे हुए, देखिए ये तोड़ने पे लगे हुए, देखिए हिला के गिरा रहे हैं एक दूसरे को। और आगे चलते हैं, ये देखिए ये सबसे मुश्किल होता है, मैंने किया हुआ है, तो सबसे वाला मुश्किल काम यही है, पर देखते हैं कर लेते हैं बच्चे, यार आजकल के बच्चे होशियार हो गए। 1% बैटरी देख के सब्सक्राइब के बाद घंटी भी दबा देना। ये सारे के छोटे छोटे सब्सक्राइबर हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है जादू के। तो दोस्तों यहाँ पे आप ATV राइड भी कर सकते हो, यहाँ पे दो तरह के राइड्स होती हैं, एक बड़ी और छोटी वाली। जैसे ये देखो आप, ये ना छोटी वाली है तो इसका चार्ज है 100 रुपये, और अगर आप बड़ी वाली करते हो तो ये बड़ी वाली है, इसके अंदाज़ आपको 150 रुपये होगा। तो ये कितने राउंड कराते हैं भैया, कितना कराते हैं लोग? 1 राउंड कराते हैं, तो ये 150 मतलब में ये बड़ी वाले का 150 है और ये छोटी वाले का है आपका 100 रुपये। तो आप दम लगा के ये देखिए दोस्तों, ये ATV राइड धक्का क्या चलती है। सो दोस्तों ये है आपका कैमल राइड, ये
चलिए दोस्तों अब करते हैं ट्रैक्टर की सवारी। बैठे 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 तो थोड़ा आगे बैठेंगे, हम बीच में बैठाते हैं बच्चों के साथ। फाइनली जगह ले ली हमने, मुझे भी दे दो यार, बैठ जाओ यहाँ पे। तो दोस्तों फाइनली स्टार्ट हो गया हमारी ट्रैक्टर राइड। मजा नहीं आ रहा? सारे चिल्लाओ ना। दोस्तों मुझे अंडा दिखाने जा रहे हैं गतों का। दिखा 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 दिखा। ये देखो। ओ हो दोस्तों ये देखिए बतख के अंडे, किनारे पड़े बहुत सारे अंडे पड़े हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ एक वेल है और देखिए हम बढ़ रहे वेल की तरफ। क्या वेल में पानी है? अरे हाँ यार पानी तो बहुत अच्छा खासा है, पानी पीना है। अच्छा पानी साफ है, पीने को पानी है। आगे चैनल का नाम क्या है? मैं चैनल का नाम है ट्रैवल टू रिचार्ज। ट्रैवल टू रिचार्ज बहुत अच्छा पानी है। तो दोस्तों ये था सूर्यगढ़ फार्म में एक हमारा छोटा सा ब्लॉग, बड़ा मज़ा, छोटा क्या बड़ा ही ब्लॉग था। और यार दोस्तों इतनी ज़्यादा भीड़ थी, स्कूल के बच्चे इतने सारे आ रखे थे, मैं क्या बताऊँ, ब्लॉग ना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। पर यार मज़ा ही आया, छोटे बच्चों के साथ बहुत इंजॉय किया। छोटे बच्चे इतना इंजॉय कर रहे हैं, इतना डांस कर रहे हैं, क्या बताऊँ। और दोस्तों इसकी लोकेशन बात करूँ, गुड़गांव सेक्टर 59 पड़ता है। आप ये मतलब गूगल पे ना सर्च करके आ सकते हो, इजीली पहुँच सकते हो गूगल मैप की मदद से। और यार बहुत सही जगह, टाइम बता दूँ दिन में 10 बजे से स्टार्ट होता है, शाम को 6 बजे चलता है, ऑल डेज ओपन होता है। बहुत ही यूनिक प्लेस है, बहुत मज़ा आया दोस्तों। खाना भी ठीक था, बहुत अच्छा लगा। तो अगर आप आते हैं तो बहुत इंजॉय करने वाले हैं। कोशिश कीजिए मंडे टू फ्राइडे आइए, ज़्यादा इंजॉय कर पाएंगे क्योंकि यार संडे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो वीडियो अच्छी, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर में नए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए जय हिंद।